हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स, मैं हूं साजिद और आज के इस वीडियो में मैं आपको एक ऐसा तरीका बताने जा रहा हूं जिसकी मदद से आप अपने एंड्रॉइड मोबाइल फोन को अपने कंप्यूटर की स्क्रीन पर बहुत ही खूबसूरत इंटरफेस में एक्सेस कर सकते हैं। इसके लिए आपको अपने मोबाइल के हॉट स्पॉट को अपने कंप्यूटर से कनेक्ट करना है। यहाँ पर एक बात बहुत ही अच्छी है कि इसके लिए हमें इंटरनेट की कोई आवश्यकता नहीं है, सिर्फ अपने मोबाइल के हॉटस्पॉट से आपके कंप्यूटर को कनेक्ट करना है। तो बिना कोई देर लगाए आइए हम सीखते हैं कि हमें ये कैसे करना है। इसके लिए आप अपने मोबाइल के प्ले स्टोर में जाएं, प्ले स्टोर के सर्च बॉक्स में सर्च करें एयर मोर। पहले ही नंबर पर ये एप्लीकेशन आपको शो होगी, आपको इसे अपने मोबाइल में इंस्टॉल करना है। मैंने अपने मोबाइल में पहले से इंस्टॉल कर रखी है इसलिए ओपन लिखा हुआ आ रहा है। जब ये एप्लीकेशन आप अपने मोबाइल में इंस्टॉल कर लेंगे तो उसका आइकॉन आपके मोबाइल में कुछ इस तरह से दिखेगा। इसके बाद आपको अपने मोबाइल में हॉट स्पॉट को ऑन करना है और कंप्यूटर में उसको सर्च करके कनेक्ट करना है। जब कनेक्शन हो जाए फिर हमें अपने वेब ब्राउज़र को ओपन करना है, फिर अपने मोबाइल में आकर एयरमोर एप्लीकेशन को ओपन करें। ये हमसे कुछ परमिशंस मांगेगा, हम इसे अलाउ करें। उसके बाद स्टार्ट पर क्लिक करें, दो ऑप्शन में से हॉट स्पॉट सेटिंग को सिलेक्ट करें, तब हमारे सामने ये इंटरफेस आएगा। अब हमें अपने वेब ब्राउज़र में ये जो आईपी एड्रेस जो हमारे मोबाइल में शो हो रहा है इसे डालना है और इंटर पर प्रेस करना है। जैसे ही हम एंटर की प्रेस करेंगे वैसे ही हमारे मोबाइल पर कुछ मैसेजेस आना शुरू होंगे जो हमारे मोबाइल को कंप्यूटर पर एक्सेस करने के लिए परमिशंस मांगेंगे। हमें उन्हें अलाउ करना है और लास्ट में एक्सेप्ट पर ओके करना है। एक्सेप्ट करते ही हमारे कंप्यूटर पर कुछ इस तरह का खूबसूरत इंटरफेस दिखेगा। अब हम हमारे मोबाइल को अपने कंप्यूटर पर एक्सेस कर सकते हैं। इसमें हम पिक्चर्स, म्यूजिक, वीडियोस, कॉन्टैक्ट्स, मैसेजेस, ऐप्स, डॉक्यूमेंट्स, फाइल्स सभी चीज़ें एक्सेस कर सकते हैं। हमारे मोबाइल में जो म्यूजिक फाइल्स डली हुई हैं उन्हें हम अपने कंप्यूटर पर सुन सकते हैं, कुछ नई म्यूजिक फाइल्स डाल भी सकते हैं, पुरानी फाइल्स को डिलीट भी कर सकते हैं। इसी तरह वीडियोस भी हम अपने मोबाइल के वीडियोस को अपने कंप्यूटर पर देख सकते हैं। हमारे जो कॉन्टैक्ट्स हैं, मैसेजेस हैं, वो भी हम अपने कंप्यूटर पर देख सकते हैं। हमारे मोबाइल में जो जो एप्लीकेशंस इंस्टॉल हैं उसे भी हम यहाँ से मैनेज कर सकते हैं। हम किसी एप्लीकेशन को यहाँ से डिलीट भी कर सकते हैं और चाहें तो हमारे कंप्यूटर में उसे डाउनलोड भी कर सकते हैं। इसका एक बहुत ही अच्छा फीचर्स डॉक्यूमेंट्स का है। हमारे मोबाइल में जो जो भी डॉक्यूमेंट्स हैं, चाहे वो एक्सेल फाइल हो, डॉक फाइल हो, टेक्स्ट फाइल हो, पीडीएफ हो या जिप हो, वो सभी ये अपने आप कैटेगरी वाइज जमा देता है। हम उन्हें यहाँ से भी एक्सेस कर सकते हैं, किसी भी फाइल को हम यहाँ से डाउनलोड भी कर सकते हैं या हमारे कंप्यूटर में कोई फाइल है तो हम उसे अपने मोबाइल में अपलोड भी कर सकते हैं। इसका एक और फीचर फाइल्स का है जिसकी सहायता से हम अपने मोबाइल की इंटरनल और एक्सटर्नल मेमोरी को एक्सेस कर सकते हैं। हमारे मोबाइल में जो वीडियोस हैं हम उन्हें यहां से इंपोर्ट भी कर सकते हैं और एक्सपोर्ट भी कर सकते हैं। हम एक एक वीडियो भी कर सकते हैं और पूरा फोल्डर भी कर सकते हैं। इसके अलावा एक बहुत ही अच्छा फीचर है इसमें रिफ्लेक्टर का। इस पर क्लिक करें और जब हम इस पर क्लिक करेंगे तो हमारे मोबाइल पर एक मैसेज आएगा, तो हमें उसे स्टार्ट नाउ पर क्लिक करना है।
जैसे ही हम स्टार्ट नाउ पर क्लिक करेंगे तो हमारा जो मोबाइल है वो अपने कंप्यूटर की स्क्रीन पर मिरर हो जाएगा। सेम जैसा मोबाइल पे है वैसा कि वैसा रिफ्लेक्ट करके वो हमारे कंप्यूटर पर शो होने लगेगा। दोस्तों, अगर आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगे तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, और अभी तक अगर आपने हमारा चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब ज़रूर करें।